आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया 15 अगस्त को मुंबई से डबलिन के लिए उड़ान भरेगी, जिसमें जसप्रीत बुमराह आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया के साथ कोई भी मुख्य कोच नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और उनका कोचिंग स्टाफ भारत बनाम वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा में है, जिसके चलते राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी यानी NCA के प्रमुख विवेक लक्ष्मण कथित तौर पर जसप्रीत बुमराह और उनकी टीम के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए आयरलैंड की यात्रा करने वाले थे। लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि विवेक लक्ष्मण टीम इंडिया के साथ आयरलैंड दौरे पर नहीं जा रहे हैं। विवेक लक्ष्मण की जगह NCA के कोच सितांशु कोटक और साईराज आगामी आयरलैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सहयोगी स्टाफ के रूप में होंगे। आपको बता दें, टीम इंडिया 8 साल के बाद बिना मुख्य कोच के खेलने वाली है। डंकन फ्लेचर के साल 2015 में इस्तीफा देने के बाद टीम इंडिया ने साल 2017 में अनिल कुंबले की नियुक्ति तक बिना कोच के साथ खेला था। इस दौरान पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए निदेशक की भूमिका निभाई थी। इससे पहले साल 2007 में ग्रेग चैपल के जाने के बाद भारत बिना मुख्य कोच के था। उस समय लालचंद राजपूत ने टीम मैनेजर, वेंकटेश प्रसाद ने गेंदबाजी कोच और रॉबिन सिंह ने फील्डिंग कोच के रूप में काम किया था। हालांकि आयरलैंड सीरीज की अगर बात की जाए तो अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि राहुल द्रविड़ आयरलैंड दौरे पर जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत के व्यस्त कार्यक्रम के कारण राहुल द्रविड़ 2023 एशिया कप टीम के साथ श्रीलंका के लिए उड़ान भरने से पहले भारत वापस लौटेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।